मेहता का उल्टा चश्मा। भाई ये लो। मुबारक हो, मुबारक हो। चलिए हम जाते हैं। शांति रख, हम लोग आखिर में जाएंगे। शांति से बैठ। थैंक यू। बहुत बड़ा फूलदस्ता दे दिया तुमने भीड़े को। जेठालाल, फूलदस्ता छोटा हो बड़ा हो क्या फर्क पड़ता है? फूल तो निमित्त मात्र है, भावना महत्व रखती है। भावना समझ ही नहीं रहा मैं क्या कहना चाह रहा था। हेलो, कांग्रेचुलेशंस मेरे भाई, कांग्रेचुलेशंस भाभी। थैंक यू। आत्मा राम। सोनू, तुमने सिर्फ अपने पेरेंट्स के नहीं, इनफैक्ट हमारी पूरी सोसाइटी का नाम रोशन किया है। और हर साल ऐसे ही ग्रेज लाना होगी। बेचारे भोले बबीता जी, इनको क्या पता भिड़े की 1-2 का 4 गिरी। आत्मा राम, आज सच कहू ना, तुमको देखकर मुझे मेरे टीचर प्रोफेसर सुब्रमण्यम का याद आ गया। अगर जब वो नहीं होते ना, तो मैं साइंटिस्ट नहीं होता। ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अरे अय्यर, मैं आत्माराम हूँ, प्रोफेसर सुब्रमण्यम नहीं हूँ। ये तो 1-2 का 4 ब्रह्मियम है। लेकिन आत्माराम, टीचर सब एक समान होते हैं। Okay, good luck, all the best. All the best and congratulations again. Thank you. तारक चलिए ना, अब हम जाते हैं। हाँ, जेठालाल वो सरप्राइज का क्या हुआ भाई? थोड़ा टाइम है, आप जाइए। चलो, ओके। भिड़े भाई, बधाई, शुभकामनाएं। Thank you so much. भिड़े भाई, ये आपके लिए सफ्रेम भेंट। Thank you so much. और अब माधवी भाभी के लिए गोकुलधाम महिला मंडल की तरफ से एक छोटा सा सरप्राइज गिफ्ट। क्या होगी, इसकी क्या जरूरत थी? माधवी भाभी कहा था ना, और तारक ने भी कहा ना, कि एक सफल पुरुष के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है, इसलिए। थैंक यू वेरी मच। बोला अंजलि भाभी ने, वही बोला। हाँ, फिर भी कितनी मेहनत करके साड़ी पसंद किया वो लौटो, वो देखेंगे तो खुश हो जाएंगे। और सोनू, तुम्हें ढेर सारी शुभकामनाएं और आशीर्वाद। थैंक यू। वैसे भिड़े की जितनी प्रशंसा की जाए काम है, और हम सारे ही लोग तुम्हारी प्रशंसा कर ही रहे, फिर भी इस मौके पे एक बात तो कहना चाहूंगा। देखो, समाज को बदलने की ताकत सिर्फ 2 ही लोगों में होती है, या तो किसी शिक्षक में या नेता में। करेक्ट। और तुम हमारी सोसाइटी में रहते हो, हमारे मित्र हो, और एक ऐसे शिक्षक हो जो इस समाज को बदलने का काम कर रहे हो, इन बच्चों को पढ़ा के। इसलिए आज के इस अवसर पे शुभकामनाओं के अतिरिक्त मैं तुम्हें एक सांकेतिक भेंट जरूर देना चाहूंगा। इसलिए मेरी ओर से एक छोटी सी सांकेतिक भेंट है, ये चांदी का सिक्का। ओ हो। और ये इसलिए भाई कि सरस्वती की असीम कृपा तो तुम पे है ही, लक्ष्मी जी की अनुकंपा भी बनी रहे। सही बात है। थैंक यू वेरी मच मेहता साहब, थैंक यू वेरी मच। मैं सभी से वादा करता हूँ कि मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से करता रहूंगा। ईमानदारी से, क्या बात है। मेरे वन सेकंड, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। बहुत बधाई, शुभकामनाएं। सोनू बेटा, कांग्रेचुलेशंस, क्या बात है। बहुत आइए नट्टू काका, हम जाते हैं। हाँ, चलो बेटा। ओहो, अरे नट्टू काका, भागा भाई, आओ। अरे भागा, संभाल बेटा। उल्टा। ये ज्यादा सिंपल है, अब से यही फॉलो करूंगा। वेरी गुड, वेरी गुड। कांग्रेचुलेशंस बेटे भाई, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। अरे सोनू माधवी, एक मिनिट। अरे वाह, अरे तुम्हाला सगळ्यांना माझे आशीर्वाद आहे। थँक्यू। मुबारक हो भिडे भाई, मुबारक हो। अरे थँक्यू बागा भाई। भिडे भाई, आप जैसा शिक्षक अगर मुझे मिला होता ना, तो आज मैं बहुत बड़ा ऑफिसर होता। भिडे भाई, मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ
कि आपको हर साल डफोड़, बुद्धू और कम अक्ल वाले विद्यार्थी मिले है? ताकि आपके पास पढ़कर वो एकदम होशियार बन जाए। अरे बाप रे। अरे काश तुम भी कुछ साल पहले भिड़े भाई के पास एडमिशन ले लेते बागा, तो आज मोबाइल रिपेयर नहीं कर रहे होते, मोबाइल की कंपनी के मालिक होते। थैंक यू वेरी मच बागा भाई। बड़ा मैं निकतो हां। ओके सोनू बेटा बागा संभाल के बैठा। बिल्ली मास्टर आइए अधिक सुन। हाँ खुश रहो खुश रहो। ले ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए और तुम्हारे सभी विद्यार्थियों के लिए एक छोटी सी भेंट, गांधी जी की आत्मकथा। क्या बात। थैंक यू वेरी मच चाचा जी। थैंक यू। कम से कम ये किताब पढ़ के सत्य बोलने की कोशिश करना। भिड़े जैसे गांधी जी ने पूरे देश को रास्ता दिखाया था, उसी तरह हर एक शिक्षक भी देश को रास्ता दिखा सकता है। और वैसे भी माँ बाप के बाद बच्चों को एक शिक्षक ही तो संस्कार देता है। हमेशा ऐसे ही काम करना है। हमेशा। थैंक यू वेरी मच चाचा जी। आप सभी का प्यार देखकर मैं गदगद हो गया हूं। मैं वादा करता हूं कि मैं अगले साल इससे भी ज्यादा मेहनत करूंगा और कोशिश करूंगा कि अपने सोसाइटी के सभी बच्चे टॉप करें। क्या बात है, बहुत अच्छे। आइए अब्दुल मियां। भिड़े भाई थैंक यू। मुबारक हो। भिड़े भाई अल्लाह आपको बहुत तरक्की दे। और भिड़े भाई आज से एक महीने तक मेरी दुकान से जो भी खरीदेंगे 50% डिस्काउंट। ओहो क्या बात है। अरे वाह अब्दुल भाई, तो मैं कल ही लिस्ट बना देती हूँ। हाँ पूरे साल का राशन ले लेते हैं। पता नहीं मेरे ऐसे दिन कब आएंगे। और हाँ सोनू ये टप्पू सेना के लिए क्रिकेट का बॉल। अरे वाह मतलब तुमने कांच तोड़ने का सामान दे दिया। इनके दिमाग से ना कभी शिक्षक और सेक्रेटरी निकलता ही नहीं है। आज पर हम डिसिप्लिन्ड है। यस दैट्स ट्रू। थैंक यू वेरी मच। ओ ले मेरी तरफ से गाड़ी की चाबी। तू मुझे गाड़ी दे रहा है? और नहीं यार अभी तो सिर्फ चाबी दे रहा हूँ, और जब मेरा गोगी शेर पुत्र पढ़ लेकर बड़ा भी बन जाएगा ना और गाड़ी तब दूंगा। अरे बेटा क्या बोल रहे हैं सोडी भाई कॉमेडी। वैसे ये मेरी जीप की डुप्लीकेट चाबी है, तुम्हें जब भी जरूरत हो और लेके जाना। क्या बात। स्वीट। चाबी मत दे सोडी वरना तेरी गाड़ी लेके 1-2 का 4 हो जाएगा। माधवी भाभी भिड़े भाई ये आपके लिए। थैंक यू सो वेरी मच। और हर साल मेरे गोगी को है ना ऐसे ही पढ़ाना है। ए ग्रेड वापस चाहिए। बिल्कुल बहुत चाल सुनिए। ओ बल्ले बल्ले ओ जावा जावा ओ बल्ले बल्ले ओ जावा जावा। टप्पू के पापा सब लोग स्टेज पर जाकर आए, सिर्फ हम ही बचे हैं। अभी जाना है कि कल सुबह उनके घर जाकर गैप देनी है। हाँ अब पंखा फास्ट पर्दा फास्ट करने का टाइम आ गया है। टप्पू के पापा जाना है कि नहीं?
जाने सामान ले ले, फूल दस्ता ले ले। थैंक यू मेरे भाई, ये लीजिए। एक मिनट दया, पहले सोनू को तो गिफ्ट दे दे। हाँ, टपू के पापा ये जरा। हाँ, जरूर। सोनू बेटा, ये लो, तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट पेन। इससे किए गए हस्ताक्षर आगे चल के तुम्हारी पहचान बन जाए, ऐसी शुभकामनाएं बेटा। थैंक यू बहुत बड़ी बात कह दी सेठानी जी ने। और भिड़े, ये तुम्हारे लिए। ओह, थैंक यू सो मच, क्या बात। थैंक यू भिड़े, वो फूल दस्ते के ऊपर जो कार्ड है ना, वो पढ़ने लायक है। अच्छा। ये लाइए, मुझे दीजिए। टप्पू के पापा के अक्सर मैं ही पढ़ सकती हूँ। ना टप्पू के पापा, ये क्या है? ला, मैं ही पढ़ता हूँ। ना आदरणीय शिक्षक आत्माराम तुकाराम भिड़े, लगता है जेठा भाई कुछ मजाक कर रहे हैं भिड़े मास्टर के साथ। मुझे पता चल गया है कि तुमने हमारे बच्चों के साथ भेदभाव किया है। अपनी बेटी को आगे लाने के लिए हमारे बच्चों को अच्छे क्लास से दूर रखा है। तुमने माँ सरस्वती का अपमान किया है, इसलिए तुम्हारा नाम आत्मा राम नहीं, आत्मा रावण होना चाहिए। आत्मा रावण होना चाहिए। आत्मा रावण होना चाहिए। आत्मा रावण होना चाहिए। जेठालाल, जेठा भाई, ये सब क्या मजाक है? जेठिया, तुझमें अक्कल बक्कल कुछ है कि नहीं? बाबू चक खीर में इमली डालता है। जेठालाल, यही था तुम्हारा सरप्राइज? हाँ मेहता साहब, यही है मेरा सरप्राइज। आप सब लोग मुझे पूछ रहे थे ना कि आज मैंने काले कपड़े क्यों पहने हैं, तो ये है उसका कारण। इस सम्मान समारंभ का निषेध करने के लिए मैंने ये काले कपड़े पहने हैं। जेठा जी, ये सब आप क्या कह रहे हैं? जेठा भाई, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मेरी तबीयत एकदम टनाटन है आती भाई, सिर्फ मेरा दिमाग बौखला गया है। ओ जेठा प्रा, ओ कहीं पार्टी शार्टी करके तो नहीं आए? जेठालाल, ये सब बोलकर तुम मेरा अपमान कर रहे हो। शुरुआत किसने की? तुमने। सबसे पहले तुमने हम सबका अपमान किया है। समझौते कायते, गोकुलधाम वासियों, मुझे बताते हुए बेहद खेद हो रहा है कि भिड़े ने हम सबको धोखा दिया है। धोखा दिया है? नटू काका, इसलिए आज सेठ जी का मूड दुकान में एकदम ऑफ था। यस। जेठा भाई, आप क्या बोल रहे हैं? इन्होंने ऐसा क्या किया है? सॉरी सॉरी माधवी भाभी, इस गुस्तादी के लिए मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं मजबूर हूँ। ना चाहते हुए भी आपके सामने मुझे भिड़े की पोल खोलनी पड़ रही है। जब मुझे पहली बार पता चला तो
मुझे भी यकीन नहीं हुआ कि हमारा भिड़े ऐसा कर सकता है, लेकिन सच यही है कि हमारे भिड़े ने ऐसा किया है। ओहो, ऐसा क्या किया आपने? अरे माला का है माई या खबरीला विचार जेठालाल, क्या किया है मैंने? ओ जेठापरा, आप तो बता दो इसने किया क्या है। बता रहा हूं गोकुलधाम वासियों, हम सबकी लाडली हमारी सोनू बिटिया पूरी स्कूल में नंबर वन आई है, उस बात से हम सबको खुशी है, बेहद खुशी है। लेकिन भिड़े ने, शिक्षक नंबर वन ने हमारे बच्चों के साथ चीटिंग की है। चीटिंग? भिड़े तूने मेरे साथ चीटिंग की होती तो मैं सह लेता, लेकिन हमारे बच्चों के भविष्य के साथ तूने चीटिंग की, ये तूने अच्छा नहीं किया और उसी बात का मुझे दुख है। जेठा भाई बताइए ना, भिड़े भाई ने ऐसा क्या किया है? बता रहा हूँ कमल भाभी, वही बता रहा हूँ। हमारे बच्चों को तो भाई साहब ने खुद ने ट्यूशन दिया, लेकिन सोनू बिटिया को सबसे बढ़िया, सबसे अच्छे A1 क्लासेस, खोटे क्लासेस में ट्यूशन दिलवाया। क्लास? व्हाट? क्लासेस? खोटे क्लासेस? और उसी की वजह से हमारी सोनू बिटिया पूरी स्कूल में नंबर वन आई, और हमारे बच्चे बेचारे सिर्फ A+ से पास होके रह गए। तो कोई नेता किसी भ्रष्टाचार में पकड़ा जाए तो दुख होता है। दुख इसलिए होता है कि उसने भ्रष्टाचार किया है, घोटाला किया है, लेकिन ज्यादा दुख इसलिए होता है कि उसने जनता का विश्वास तोड़ा है। कोई व्यक्ति अगर विश्वास तोड़े तो बहुत बुरा लगता है, और यही हुआ है गोकुलधाम में। भिड़े ने सभी का विश्वास तोड़ा है, यह इल्जाम है भिड़े पे। भिड़े ने भेदभाव किया है बच्चों के साथ, यह इल्जाम है भिड़े पे। भिड़े पे इल्जाम है कि उसने अपनी बेटी को खोटे क्लासेस में पढ़वाया, और जेठालाल ने खोटे क्लासेस की सच्चाई सभी को बता के हक्का बक्का कर दिया है गोकुलधाम निवासियों को। अब देखना यह है कि भिड़े क्या इतने बड़े इल्जाम का बोझ संभाल पाएंगे, क्या होगा, क्या रिएक्ट करेंगे गोकुलधाम निवासी, आखिर भिड़े क्या जवाब देंगे। सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन हर जवाब ठहाकों के साथ। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।